मर्सिडीज के पीछे वाले ब्रेक पैड चेंज करने के लिए ना इसको ब्रेक पैड रिमूविंग के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये दिखाता हूँ आपको आप स्कैनर के साथ कैसे इसको मूव कर सकते हो। पिस्टन असेंबली मूव करनी है इसकी। ठीक है जी, देखिए अभी इसका पिस्टन ना अपने आप पीछे जा रहा है, ये 10 सेकंड के लिए पीछे जाएगा और अपने आप के लिए ये देखो ब्रेक रिलीज होगी इसकी दोनों पिस्टन की। और उसके बाद में ना हमको इसको असेंबली को पिस्टन को दोबारा रीइंस्टॉल करके तो इसको मूव करना है आगे को, वो इसके ब्रेक पर नहीं डाल के तो आपको दोबारा दिखाएंगे फिर। लो जी ओके हो गया, डन हो गया जी काम।